गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ाया हुआ समास का जो टॉपिक है उसको पढ़ा होगा। आज हम समास का जो नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, या यूं कह लें कि आज की क्लास में जो हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं, वो टॉपिक है समास का पार्ट टू। कल हमने समास के बारे में पढ़ा था कि समास क्या होते हैं, तो बच्चे एक बार फटाफट से रिकॉल करते हैं। हमने पढ़ा था शब्द रचना के बारे में। शब्द रचना कैसे होती थी? जब वर्णों का, या यूं कह लें स्वर और व्यंजन का आपस में तालमेल बैठता है तो शब्द रचना होती है। शब्द रचना दो प्रकार से होती है और तीसरी विधा को हम पढ़ रहे हैं। दो प्रकार कौन से थे? उपसर्ग और प्रत्यय। और तीसरी विधा समास को कहते हैं। उपसर्ग जो शब्द के आगे लगता है और उस शब्द या शब्दांश से शब्द का अर्थ बदल जाता है। प्रत्यय जो शब्द के पीछे लगता है और उससे भी एक नई संज्ञा बनती है और एक नया शब्द बनता है। आज की क्लास में हमने डिस्कस किया, प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था समास के बारे में। समास जब दो पद, दो शब्द आपस में मिलते हैं, उनके बीच में विभक्ति चिन्हों का, यानी कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप होता है, तो वहां समास की बात करते हैं। वहां समास होता है जब दो विभक्ति चिन्हों के युक्त पद को, एक समस्त पद को अलग अलग करके लिखा जाता है, तो उसे समास विग्रह कहते हैं। अब आज की क्लास में हम बात करेंगे समास के भेदों के बारे में और उसके प्रभेद, यानी कि सब टाइप्स के बारे में। यानी कि आज की क्लास में हम क्या चर्चा करने वाले हैं बच्चों? आज की क्लास में हम समास यानी कि कंपाउंड के भेद और उसके प्रभेद यानी कि सब टाइप्स को डिस्कस करेंगे। पर उसके अंतर्गत भी आज हम सिर्फ दो समासों को डिस्कस करेंगे, सिर्फ दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक यानी जो समास का जो पहला भेद है वो है तत्पुरुष समास, दूसरा भेद है बहुव्रीहि समास, तीसरा भेद है द्वंद्व समास और चौथा भेद है अव्ययी भाव समास। आज की क्लास में मेरे प्यारे बच्चों हम इन चारों में से सिर्फ दो भेदों को पढ़ेंगे, जिसमें पहला है तत्पुरुष समास और दूसरा है बहुव्रीहि समास। इस तत्पुरुष समास में भी फिर दो भेद यानी इसके प्रभेद होते हैं। तत्पुरुष समास के भी दो सब टाइप्स होते हैं। पहला होता है कर्मधारय समास और दूसरा होता है द्विगु समास। तो आइए बच्चों हम आज की क्लास में तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि समास के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये तत्पुरुष समास क्या होता है। तत्पुरुष समास जिसमें पूर्व पद गौण, पहले वाला पद जो है वो गौण होता है, यानी उसका जो अर्थ है उसके अर्थ से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। यानी तत्पुरुष समास में पूर्व पद गौण होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। पूर्व पद गौण होता है और उत्तर पद प्रधान होता है, यानी कि पूरा का पूरा जो अर्थ की जो दारोमदार जिम्मेदारी होती है वो उत्तर पद पर टिकी हुई होती है। उत्तर पद के अकॉर्डिंग जो है इसका अर्थ बनता है और कारक के आठों में से किसी भी विभक्ति चिन्ह का लोप हो सकता है। यानी कि कारक के आठों विभक्ति चिन्ह तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं और तत्पुरुष समास के अंतर्गत जब इनका उपयोग होता है तो पूर्व पद गौण होता है, उत्तर पद पर पूर्ण रूप से जिम्मेदारी होती है कि इसे ही अर्थ बनाना है और कारक के आठों में से किसी भी विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो सकता है। इसीलिए तत्पुरुष समास के आठ भेद होते हैं। कर्ता तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। ये संबंध तत्पुरुष यानी कि जितने सारे समास, जितने भी सारे कारक होते हैं उतने ही सारे तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। फिर तत्पुरुष समास के भी दो प्रभेद यानी दो सब टाइप्स होते हैं। ये जो दो सब टाइप्स है बच्चों, ये तत्पुरुष समास के दो सब टाइप्स है, जिसमें पहला है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है? इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, यानी पीछे वाला जो सेकंड पद है वो प्रधान होता है और उसमें विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। और जो इसमें जो पूरा का पूरा पद बनता है उसमें विशेषण, विशेषण क्या होते हैं?
संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, और विशेष्य क्या होते हैं? जिनकी विशेषता बताई जा रही है, यानी विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेष्य कहते हैं। तो इसमें कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है और उत्तरपद प्रधान होता है। जैसे मान लो मैंने कहा चंद्रमुख, इसका मैंने समास विग्रह किया चंद्रमा के समान मुख। अब चंद्र क्या है? चंद्र इसमें विशेषण है क्योंकि वो बहुत सुंदर होता है, और विशेष्य क्या है? इसमें विशेष्य है इसमें मुख। तो मुख की तुलना किससे की जा रही है? चंद्रमा से। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब उत्तर पद प्रधान हो और विशेषण विशेष्य का संबंध हो तो वहां पर कौन सा वाला समास होता है? वहां कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास के बाद में हम बात करते हैं द्विगु समास की। बच्चों द्विगु समास क्या होता है? द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है। पूर्व पद का मतलब पहले वाला पद संख्यावाची होता है, उसमें कोई ना कोई नंबर डिनोट होता है। जैसे नौ रात्रि, नौ रातों का समूह, चौराहा चार रास्तों का समूह। आप लोगों ने देखा होगा बच्चों कि जो द्विगु समास होता है इसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है, और इस संख्यावाची पद के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि आगे जो शब्द के अंतर्गत संख्या है वो उसकी काउंटिंग कितनी है। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं बहुव्रीही समास की, कि बहुव्रीही समास क्या होता है? बहुव्रीही समास वो समास होता है जिसमें दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता। दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, ना तो उत्तर पद प्रधान होता है ना पूर्व पद प्रधान होता है। वहां पर जब उत्तर पद और पूर्व पद जुड़ते हैं तो जुड़ने पर कोई तीसरा ही अर्थ निकलता है। जैसे नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ। अब नीलकंठ का मतलब शिव भगवान भी होता है, नीलकंठ का मतलब मोर भी होता है, और जिसने जहर पी लिया हो उसका कंठ भी नीला हो जाता है। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, यानी जिसका पेट मोटा है, जिसका पेट बाहर निकला हुआ है, वो क्या है? लंबोदर। अब पेट बाहर किसी मोटे व्यक्ति सेठ का भी हो सकता है, पेट बाहर जो है किसी गर्भवती महिला का भी हो सकता है, पर यहां पर बात किसकी की जा रही है? यहां पर बात की जा रही है गजानन गणेश की। तो बच्चे देखो, आज की क्लास में जो हमने ये जो पढ़ा इसके अंतर्गत हमने आपको बताया समास के कितने भेद। समास के चार भेद होते हैं, चार में से दो भेदों की हमने चर्चा की और उस दो भेद के भी फिर प्रभेदों की हमने चर्चा की। समास के जो चार भेद हैं उन चार में से दो भेद हमने पढ़े, तत्पुरुष समास, बहुव्रीही समास। बहुव्रीही समास और तत्पुरुष समास में फिर तत्पुरुष समास के कितने प्रभेद हुए? दो, कर्मधारय समास और द्विगु समास। तत्पुरुष समास क्या होता है बच्चों? तत्पुरुष समास होता है जिसमें पूर्व पद तो होता है गौण और उत्तर पद होता है प्रधान, यानी पूर्ण रूप से अर्थ की दारोमदार जिम्मेदारी किस पर आती है? उत्तर पद पर, और कारक के आठों विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। साथ ही साथ में यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि कारक के आठों विभक्ति चिन्ह तत्पुरुष समास के भेद होते हैं और कर्मधारय समास और द्विगु समास इसके उपभेद होते हैं। फिर हम कर्मधारय समास की बात करते हैं, तो कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है, और उत्तर पद प्रधान होने के साथ साथ में उत्तर पद और पूर्व पद में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। यानी विशेषण विशेष्य मतलब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण, और वो विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बता रहा है वो विशेष्य। फिर उसके बाद में हमने बात की द्विगु समास की। ये द्विगु समास क्या होता है बच्चों? ये द्विगु समास के अंतर्गत पूर्व पद संख्यावाची होता है, यानी जो पहले वाला पद होता है वो कैसा होता है? वो संख्यावाची होता है, उसमें नंबर्स का पता चलता है। उसके बाद हमने बात की बहुव्रीही समास की, कि बहुव्रीही समास क्या होते हैं? बहुव्रीही समास में दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता। कोई भी पद प्रधान नहीं होता इसका मतलब यह
जुड़ते हैं तो जुड़ने पर एक नया ही अर्थ निकलता है, एक तीसरा ही अर्थ निकलता है जिसे हम क्या कहते हैं, बहुव्रीही समास। तो बच्चों देखो, आज की क्लास में हमने समास के जो है दो टॉपिक, समास के दो भेदों के बारे में चर्चा की और उन दो भेदों में फिर हमने उसके एक भेद तत्पुरुष समास के भी प्रभेदों की चर्चा की। दोबारा से, तत्पुरुष समास में कितने प्रभेद होते हैं, दो, और कितने उपभेद होते हैं, आठ। आठ, इन दो प्रभेदों में पहला प्रभेद होता है कर्मधारय समास और दूसरा प्रभेद होता है द्विगु समास। फिर उसके बाद हमने बात की तत्पुरुष समास की, जिसमें पूर्व पद गौण होता है और उत्तर पद प्रधान होता है और कारक के आठों विभक्ति चिन्हों में से किसी भी विभक्ति चिन्ह का लोप हो सकता है। फिर कर्मधारय समास की बात की, जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, विशेषण विशेष का संबंध होता है। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है और उत्तर पद प्रधान नहीं होता है। उसके बाद बहुव्रीही समास, जब दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता और जुड़ने पर कोई तीसरा ही अर्थ सामने आता है तो वो समास का बहुव्रीही समास रूप कहलाता है। बच्चों आज की क्लास में जो हमने ये टॉपिक डिस्कस किया है, इस टॉपिक को मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग समझने में सक्षम हुए होंगे, आप लोगों को किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। पर अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आती है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप अपनी गुलमोहर बुक का भी मदद ले सकते हैं, आपको जो वीडियोस सेंड किए जाते हैं आप उनकी भी मदद ले सकते हैं। हमारी नेक्स्ट क्लास में हम समास के प्रभेदों और भेदों के अंतर्गत अगले दो समासों को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों मैं उम्मीद करूंगी कि आप सब लोग इन सारे के सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ोगे, रिवाइज करोगे और प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे ये टॉपिक आपको उतना ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो बच्चों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने घर पर सेफ और सुरक्षित रहिए, अच्छे बच्चों की तरह पढ़ाई कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।